जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जवानों के काफिले पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के लिए भगवानपुर में अलग अलग दो जगह पर पाकिस्तान का पुतला फूंका गया। साथ ही भाजपा नेता सुबोध राकेश ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पुतला दहन किया। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की और अधिवक्ताओं ने लाहौर को रातों रात नक्शे से गायब करने की मांग की। शहीदों का जो बलिदान हुआ है, आतंकवादियों ने जो हमारी मिलिट्री के 44 जवानों को शहीद कर दिया है, उसके विरोध में हम ये पुतला दहन और आक्रोश निकाल रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि आज भी हमारे देश के शहीदों का बलिदान व्यर्थ जा रहा है। क्यों न एक ही बार पाकिस्तान से साथ में युद्ध करके आर्य पार की लड़ाई लड़ लिया जाए। पूरे देश आक्रोश में है। आज हम अधिवक्ता एसोसिएशन भगवानपुर के तत्वाधान में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए तथा भारत की सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के लिए आज हम यह आयोजन कर रहे हैं और हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी कभी हमारे जवान 44 जवान मर जाते हैं और अनेकों जवान शहीद होते जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो देश की सीमा है उसकी सुरक्षा बहुत आवश्यक है और जो हमारा आंतरिक मामला है, हमारे जम्मू कश्मीर जो हमारे भारत का अटूट अंग है, उसको पाकिस्तान ध्वस्त करना चाहता है, पाकिस्तान हड़पना चाहता है। इस नीति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं और भारत सरकार से आह्वान करते हैं कि आर पार की लड़ाई लड़ी जाए, जो भी होगा देखा जाएगा। भारत की जनता इस तरह से हमारे भारतीय सैनिकों की निर्ममक हत्या की गई है, उसी के अनुसार एक के शीश के बदले 10 शीश हिंदुस्तान मांग करता है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये होगा कि हम सब जितने नौजवान हैं, हर हिंदुस्तानी चाहे सीमा पर जाकर के इन्हें मुंह चलाओ जवाब जवाब हमें देना पड़ेगा। हम सब भारतीय हैं, हमारा एक गुलदस्ता है, हम सब अपने देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। भारत माता की।